जय हिंद नमस्कार मेरे शेर सैन्य लाडो लाडियो स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल कमांडो के न्यूज दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली नॉर्मलाइजेशन पे क्योंकि काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन से हमारे कितने नंबर बढ़ जाएंगे या कितने नंबर बढ़ने के चांस है या किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ते हैं उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमको दे दीजिए क्योंकि काफी बच्चे कॉल कर रहे हैं जब से वो वीडियो पिछला कट ऑफ वाला देखा अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए क्योंकि उसमें आपकी पूरे स्टेटों की कट ऑफ एग्जिट बताई हुई है कि यहां तक आपकी फिजिकली कट ऑफ

एक मार्च से अकेडमी आके जांच करा सकते हो मेडिकल की इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है उनसे पूरी जानकारी ले लेनी है अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन पे पता है बाईस अभी आपने की देख लिए। किस आधार पर होता है मैटर करती है सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? इसके बारे में जैसे मान लीजिए 10 शिफ्ट हो रही है तो दस शिफ्ट में जैसे औसत अंक जैसे मान के चलिए पहली शिफ्ट है फिर दूसरी है फिर तीसरी है फिर चौथी पांचवी मान लीजिए पांच शिफ्ट है या दस शिफ्ट है तो इनमें हर एक शिफ्ट में क्या करेगा औसत अंक निकाले जाते हैं कि इसमें औसत अंक कितने बन रहे हैं जैसे हर एक शिफ्ट में मान के चलिए हजार बच्चे पे निकाला जाता है कि हजार बच्चे एक शिफ्ट में अगर पेपर दे रहे हैं तो उनका औसत क्या आ रहा है या पांच सौ बच्चे देख रहे हैं तो उनका औसत क्या आ रहा है तो जिस शिफ्ट का औसत सबसे डाउन होता है तो इसका मतलब क्या है कि यह सबसे हार्ड शिफ्ट है तो इसमें नंबर बढ़ने के चांस ज्यादा होता है आपने कई बार सुना होगा कि जो पेपर पहले देते हैं ऐसा नहीं है होता यह कि वो पहले पेपर देते, तो उसमें में आएगा, क्या नहीं आएगा तो बच्चों के नंबर तो थोड़ा बहुत उनको फायदा मिले लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर पहले या बाद में देने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ओवरऑल औसत देखा जाता है कि औसत अंक सबसे कम कौन से है समझे ओवरऑल औसत सबसे कम लो औसत किस शिफ्ट में है तो जिसमें कम होगा उसमें नंबर बढ़ने के चांस है लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें हर किसी के बराबर नंबर बढ़ जाएंगे जिससे पहले बात तो कई बच्चे ऐसे उनको ऐसा लगता है कि हमारी शिफ्ट सबसे हार्ड थी सर हमारी वाली चीज कोई हार्ड नहीं थी रे आप डिसाइड नहीं करोगे हो सकता है कि आपकी तैयारी कमजोर हो हो सकता है कि उस दिन पेपर में जो क्वेश्चन आए उनमें से कुछ आपके पढ़े हुए नहीं हूं इसका मतलब यह नहीं कि पेपर हार्ड होगा जैसे मान के चलिए सो शिफ्टें हुई है तो उसमें से कुछ एक ऐसी शिफ्टें निकलेगी जिसमें औसत अंक काफी डाउन आएगा और उसमें नंबर दस भी प्लस हो सकते हैं पंद्रह नंबर भी प्लस हो सकते हैं हो सकता है कि बीस नंबर भी प्लस हो ठीक है कुछ ऐसी भी होगी जिसमें जीरो पॉइंट फाइव भी पढ़ेंगे एक नंबर भी बढ़ेगा दो नंबर भी बढ़ेंगे अब किसका कितना बढ़ेगा यह कैसे डिपेंड करता है इसके लिए कई चीजें मैटर करती है जैसे पहले तो मैंने बताया कि औसत पे अब औसत पे भी कैसे जैसे मान के चलिए कि आपकी एक्यूरेसी भी देखी जाएगी कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने किए हैं गलत यानी आपकी एक्यूरेसी क्या है गलत क्वेश्चन मान के चलिए किसी कोई बच्चा है उसने जैसे 40 क्वेश्चन सही कर दिया 40 गलत कर दिए तो इसका मतलब होगा कि इसको नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा नहीं होगा या ना के बराबर मान लीजिए क्योंकि इसने गलत बहुत ज्यादा कर दिया तो एग्जाम जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें कुछ फायदा इसको ना के बराबर ही होगा अब कुछ ऐसे बच्चे मान के चलिए किसी बच्चे ने साठ क्वेश्चन किए साठ के साठ बिल्कुल सही है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि इसको नॉर्मलाइजेशन अगर इसकी में सबसे अच्छा किस बच्चे को नंबर अंक ज्यादा मिलेंगे तो वो इस बच्चे को मिलेंगे क्योंकि सो परसेंट है यानी इसने कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं किया है इसने वही छोड़ा है जो हार्ड क्वेश्चन था दूसरा क्वेश्चन तक डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ा अगर मान लीजिए कि मान के चलिए कि सो बच्चे एक सीट में बैठे और उसमें से निन्यानवे बच्चों ने एक क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन आपने छोड़ा है तो इसका मतलब आपको फायदा नहीं होगा क्योंकि अगर निन्यानवे बच्चों ने वो क्वेश्चन कर दिया इसका मतलब है है कि वो आसान क्वेश्चन उसमें नंबर नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं 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 है है वो सिर्फ आप पढ़े इसलिए आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा ठीक अब मेन बात आती है जो आप डायरेक्ट मेरे से पूछते हो कि सर हमारे नंबर कितने बढ़ने के चांस है या नॉर्मलाइजेशन से आज तक कितने नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांस है या कितने बढ़ गए हैं देखो ये डिपेंड करता है पहली बात तो जैसे मैंने बताया शिफ्ट होगा नॉर्मलाइजेशन से पांच नंबर जीरो नंबर से लेके यानी किसी के जीरो भी बढ़ेगा ये ध्यान में अभी कईयों को एक गलत है, मैं जिस भी बच्चे से मैं मिल रहा हूं तो एकेडमी का बच्चा है बाहर का बच्चा वो एक बात बोलता है बोले सर सो नंबर तो आगे बाकी नॉर्मलाइजेशन भी हो जाएगा कोई बोलता नंबर तो सर बाकी नॉर्मलाइजेशन भी हो जाएगा अरे नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तुमको क्या लगता है हर एक बच्चे के नंबर बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में नहीं मात्र दस या पंद्रह परसेंट बच्चे होते हैं जिनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं और अच्छे नंबर बढ़ते हैं सिर्फ पांच परसेंट बच्चों के नहीं जिनके पांच नंबर या सात नंबर या आठ नंबर या दस नंबर या पंद्रह नंबर या बीस नंबर बढ़ते हैं एटीट्यूड ऐसा रखते हैं कि सो नंबर आगे बाकी सब नॉर्मलाइजेशन जैसे अभी फिजिकल जो भी बच्चा आ रहा है वो एक ही बात बोल रहा है सर इतने नंबर आगे बाकी नॉर्मलाइजेशन बाकी है अरे भाई नॉर्मलाइजेशन बाकी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बच्चे के नंबर बढ़ते जाएंगे हर बच्चे के नंबर बढ़ गए फिर तो मेरिट कैसे बनेगी बात के चलिए जैसे सो बच्चों ने पेपर दिया सो के सो के नंबर बढ़ा दिए फिर तो उसका नॉर्मलाइजेशन कैसे बोल सकते हैं क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ अरे सिर्फ पांच से दस परसेंट बच्चों को ही नंबर बढ़ते हैं वो भी उनके बढ़ते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है कि बहुत ही कमाल की जिनकी एक्यूरेसी है उनके नंबर बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इस बात का ध्यान रखना बाकी के नहीं तो एक्यूरेसी भी मैटर करती है आपने कितने गलत किए कितने सही किए ये भी मैटर करता है कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया वो भी मैटर करता है और पूरी पारियों का जो औसत अंक आता है निकल के वो भी मैटर करता है औसत के हिसाब से ही अंक प्लस होते हैं ये भी ध्यान रखना जैसे मान के चलिए कि किसी बच्चे ने अस्सी नंबर लाया किसी ने सोलह लाया किसी ने नब्बे लाया सो में से या किस में से तो इसका मतलब सभी के मतलब मान लो प्लस चार ऐसे नहीं होगा कि हर एक बच्चे के प्लस चार चार प्लस चार चार ऐसे नहीं होगा वो जैसे मान लो कोई बच्चा उसकी एकवेसी बहुत अच्छी है उसके प्लस दस हो जाएंगे और उसी शिफ्ट में आपने पेपर दिया और आपके गलत ज्यादा तो आपके प्लस दो भी नहीं होंगे एक ही शिफ्ट में मान लो दो बच्चे हैं तो मैंने एक्यूरेसी अच्छी है इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो दोनों के ही नंबर अलग अलग प्लस होंगे नॉर्मलाइजेशन में ना कि इक्वल होंगे ये बात ध्यान रखना तो एक तो यह बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हर एक बच्चे के बैठेंगे जैसे मैंने बैठा दस से पंद्रह के अच्छे नंबर बढ़ते हैं बाकी जो बच्चे हैं उनके किसी के पॉइंट दो बढ़ जाता है किसी के पॉइंट पांच किसी के एक नंबर किसी के दो नंबर इससे ज्यादा नहीं बढ़ते हैं और मैक्सिमम मान लीजिए पांच नंबर उससे ऊपर तो नहीं ठीक है लाड दो नंबर मैटर वही करेंगे जो आप पेपर में लेके आए हो नॉर्मलाइजेशन वाली बाणी छोड़ दो जय हिंद जय भारत